तो भाई तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, स्पोर्ट्स बाइक है, ये एडवेंचर बाइक है और ये नॉर्मल बाइक है, तो इन तीनों में से एक लेंगे। कौन सी लेनी है बताओ, आपको कौन सी पसंद आई है? एडवेंचर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भी गाइस, फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट और ये देखो टेबल हमारा और टूट चुका है। हमने ऑर्डर कर रखा है इसका शीशा, लेकिन अभी तक आया नहीं है और ये और टूटते जा रहा है। ये देखो, सबसे पहले ये टूटा था सिर्फ इतना सा, फिर यहाँ से टूटा, फिर यहाँ से पूरा उधर तक क्रैक आ गया, फिर देखो इधर से इधर क्रैक आ गया, फिर इधर से उधर तक पूरा टूट गया। ये देखो, अब जुगाड़ से यहाँ पे टेप लगा रखी है हमने, यहाँ भी टेप है, पूरी टेप भी टेप है, कहीं किसी को लगे ना। लेकिन फिर भी रिस्क है यार, इसमें इसको निकालना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। फिलहाल खाना खाते हैं, आलू का पराठा दही। हमने नया शीशा ऑर्डर कर रखा है टेबल के लिए, तो वो आने ही वाला है, फिर इसको चेंज करेंगे हम। तो भी खाना पीना हो चुका है और पीयूष कराने गए हैं स्कूल, इसलिए घर में देखो इतनी शांति वांति हो रही है। उनके आते ही इतना हल्ला गुल्ला होता है ना, तो हाँ, लेकिन वही अच्छा लगता है ऐसे, मतलब मजा नहीं आता खाली खाली घर में ना। और ये अपना मस्त बैठा हुआ है यहाँ पे देखो। तो फिलहाल अब मैं अपना रूम क्लीन करता हूँ। ये देखो, मैं ड्राइंग टेबल के ऊपर कपड़े वपड़े पड़े हैं, सारे सामान कुछ भी सिस्टम से नहीं पड़ा हुआ। देखो इधर भी सारा सामान बिखरा हुआ, इधर भी सारा सामान, इधर भी सारा सामान, बस कपड़े से ही पड़े हुए मेरे। बाकी बैग बैग देखो, एक बैग ही पड़ा, एक बैग ही पड़ा, एक बैग ही पड़ा, जूते भी यहीं पड़े हैं। वैसे ठीक तो सब कुछ तभी होगा जब नया घर बनेगा, जब नया घर बनेगा ना तब सारा सामान अच्छे से प्रॉपर रखा जाएगा। देखो जो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान ना, इसके लिए अलग स्टोरेज होनी, तो कोई स्टोरेज नहीं है मेरे पास, तो मेरे को इसके ऊपर रखना पड़ता है। और ड्राइंग मटेरियल्स के लिए अलग स्टोरेज होनी चाहिए, तो वो भी स्टोरेज नहीं है, तो ऐसे देखो ऐसे ही डाल रखे हैं यहाँ पर ड्राइंग। और कपड़ों के लिए अलग स्टोरेज होनी चाहिए, देखो मैंने कपड़े ऐसे ही बाहर ही टांग रखे हैं, बाहर ही रखे हुए हैं। तो जब नया घर बनेगा ना, तो उसमें पूरा बड़ा सा रूम बनाऊंगा, उसमें अलग अलग स्टोरेज, कपड़ों की अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग, ड्राइंग टेबल अलग, ड्राइंग का सामान अलग, सब कुछ अलग अलग पूरी स्टोरेज बनाऊंगा और बड़े से रूम में, तब पूरा सिस्टम से रखा जाएगा। गैस अच्छा हो, मैं अपना घर बहुत लेट बनवा रहा हूँ, अब मुझे पता है कि मुझे क्या क्या स्टोरेज चाहिए, मुझे किस तरह का रूम चाहिए परफेक्ट मेरे हिसाब से, तो मैं उस तरह से बनवाऊंगा। अगर पहले बना लेता तो मुझे पता नहीं होता ना मुझे ये स्टोरेज चाहिए, मुझे ये चाहिए। गैस अभी आधे से ज्यादा सामान तो देखो यहाँ पड़ा हुआ भाई, सारे डब्बे वब्बे, बैग वैग सारे। तो गैस फाइनली रूम क्लीन हो गया अपना, टेबल भी साफ हो गई है, वो वाली टेबल भी साफ हो गई है, वहाँ सिर्फ काम का सामान पड़ा हुआ, जैसे कि चार्जर, बैटरी, कैमरा, लैपटॉप। अरे कुछ नहीं है भाई, डर क्यों रहा है? घर से बाहर निकाल दो मेरे को, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? मैं भी नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। चप्पल पहनी, कहाँ जा रहे हो वापस? डर क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं है भाई, डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं है। कैमरा क्यों लगाया अपने मुंह पे? तो कैमरा तुम आए हो स्कूल से, दिखा रहा था तुम स्कूल से आए हो। ऐसे ऐसे अब होगी घर में तबाही। तबाही में तो मजा आता है, मम्मी मेरी प्यारी हो, मजा आता है, कोई नुकसान हो जाएगा भी फिर सही रहेगा। ये देखो स्कूल से आते ही मिठाई उठा ली इसने, कपड़े भी चेंज नहीं कर रहा भाई, इसको मिठाई इतनी पसंद आई वाली। कौन सी मिठाई है ये? बर्फी है, पेड़े, बर्फी है। ये देखो भाई, कपड़े तो डाल लो पहले, जान नहीं छूटेगी। तो फिलहाल अब लंच करते हैं, आज बनी भटकी दाल और चावल। सौदा चावल तो रोज ही बनते, भटकी दाल बोलो ना बस। तो गाइस अब हम जा रहे हैं फर्स्ट क्राई, कुनाली की फेवरेट जगह पे, वहाँ पे कुनाली को कुछ दिलाएंगे आज। चलो, लेकिन ज्यादा महंगी चीज नहीं, ज्यादा महंगी चीज नहीं, ठीक है? मैं कहाँ बैठूँ? तू यही रो, तेरे साथ हन्नू को दे दे, हन्नू दे दे यार, सही तो है, हन्नू को दे दे जब हाथ पीछे भाग। तो गाइस मम्मी जी को छोड़ना है पूजा दी घर पे, कुनाली तो सो गया। कुनाली उठो, पहुंच गए, कुनाली उठो, पहुंच गए। तो गाइस पहुंच गए फर्स्ट क्राई, कुनाली की फेवरेट जगह। कुनाली आते ही ऊपर भाग गया। मस्त लग रही है, ये भी मस्त लग रही है। हां भाई तुम ये कर लो, दो दिनों को थोड़ा तो ले जाएगा। अरे ये तो KTM की तरह है, एडवेंचर 390। कैसा लगा, मजा आया? चाहिए ये, चाहिए? हां ये चाहिए। इसमें ये दो टायर वाली है। अच्छा दो टायर वाली है गाइस, ये तीन टायर वाली है, ये दो टायर वाली है। स्पीड किस में होगी? दोनों में ज्यादा। कुनाली कौन सी चाहिए आपको? तो रेड ऑयल ट्राई करते हैं। किस में ज्यादा मजा आ रहा है? स्पोर्ट्स बाइक भी है यहाँ पे, तो वैसे लुक्स में तो स्पोर्ट्स बाइक अच्छी लग रही है। ये एडवेंचर लग रही है। तो भाई तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, स्पोर्ट्स बाइक है, ये एडवेंचर बाइक है और ये नॉर्मल बाइक है, तो इन तीनों में से एक लेंगे। कौन सी लेनी है बताओ, आपको कौन सी पसंद आई है? एडवेंचर। कुनाली को एडवेंचर पसंद आई है, वैसे लुक्स में तो ये अच्छी लग रही है स्पोर्ट्स बाइक। गाइस इसमें तो स्टोरेज भी है, देखो यहाँ पे कुछ सामान भी आ सकता है। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं चेस। तो गाइस कमेंट कर बताना कौन सा कलर की बाइक हमको लेनी चाहिए, ऑरेंज, रेड या स्पोर्ट्स। कुनाली के लिए क्रॉक्स देख रहे हैं हम,
प्यारा लग रहा है येलो कलर का। कैसे आज तो कुनाली की मस्त शॉपिंग हो रही है गाइस। कुनाली को ना बैठने के लिए ये भी पसंद आ रहा है, ये भी पसंद आ रहा है कि आपके टीवी देखने के लिए बढ़िया है। कुनाली की शॉपिंग तो हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए। दो भाई यहाँ बैठे हैं, दो भाई सामने बैठे हैं, और गोलगप्पे सबसे ज्यादा फेवरेट है कुनाली के, सबसे ज्यादा वही खाता है भाई। सबसे छोटा है फिर भी सबसे ज्यादा वही खाता है भाई। गाइस आज का दिन कुनाली का है। ये देखो साहिल ने क्या मंगाया है। मैं तो पी रहा हूँ कॉफी, ठंडी कॉफी आ गई है, पर्पल फैंटा पी रहा हूँ। तो बेचारे कुनाली को खड़े हुए खाना पड़ता है, देखो बैठ ही नहीं पाता ये, बैठ के पहुँच नहीं पाता देखो। तो भी गाइस फैमिली आए हमसे मिलने के लिए लुधियाना से। हाय सौरभ, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आपकी व्लॉग देखता हूँ। व्लॉग या ब्लॉग। तो गाइस अब जा रहे हैं घर। गाइस आज बहुत दिनों के बाद कुनाली हमारे साथ में आया, यूजुअली आता नहीं है। चलो भाई चेस खेलेंगे, अब देखते हैं कौन जीतता है। सरदार को ये नहीं पता है जो गोटियां होती है ना, इनको सेफ जगह के कहां पे रखना है ये नहीं पता। देखो कुनाली पहली चीज, हम चेस खेलते क्यों हैं? हम चेस खेलते हैं इसको बचाने के लिए या फिर मारने के लिए। मैं इसको मारूंगा, आप इसको बचाओगे और मेरे वाले को मारोगे, ठीक है? कुनाली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? राजा। राजा सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो राजा को बचाना है आपको, बस उसको बचाए रखना है। जैसे सुनो, जैसे मेरा ये मेरे पास हाथी है और ऐसे हो गया, तो अगर मैंने इसको मार दिया तो गेम खत्म, आउट, चेकमेट। अगर रानी को मार दिया? यार ये माइंड गेम है, कुनाली खेल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं खेल पाएगा? माइंड गेम कुनाली खेल ही नहीं पाएगा भाई। आप क्या बोलना चाहते हो? उसमें माइंड नहीं है। कुनाली खेलते कैसे पता है? कैसे चलते हैं? हाथी हमेशा अलग चलेगा, घोड़ा हमेशा अलग चलेगा, ये हमेशा अलग चलेगा, ये भी अलग चलेगा, ये भी अलग चलेगा, ये सबसे आगे चलेगा। नहीं राजा सुनो, राजा ना सिर्फ एक दो तीन चार पाँच, पाँच जगह चलता है, इधर 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 इधर, अपने ना जैसे यहाँ पर रखा हुआ है। पहले पीयूष दौर में खेलते हैं, आप देखना हम कैसे खेलते हैं, आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है? मैं कुछ भी खा लूंगा, जो बनाओगे वो खा लूंगा, प्यार से बनाना बस, माँ के प्यार के लिए मैं कुछ भी खा लूंगा। माँ के प्यार के लिए मैं कुछ भी खा लूंगा, पेठा बना दो, करेला बना दो, जहर बना दो, कुछ भी बना दो, जो बनाओगे मैं खा लूंगा मम्मी। चल घोड़ा का। तो इस पहला मैच पीयूष जीत गया भाई, इसलिए स्कूल में भी खेलते है ना। खाने में क्या लो भाई, गिरा दिया। जो पनीर बना रहे हो, पनीर बना रहे हो, कोई आ रहा है घर में? कोई आ रहा है घर में? तो डिनर रेडी हो गया है, पेठा, आज तो पनीर की सब्जी बनी है। तो भी चल रही है एडिटिंग, साथ में पियेंगे मैंगो शेक मस्त। अब गर्मी में तो रोज मैंगो शेक ही पियेंगे मस्त, ये मेरा फेवरेट होता है मैंगो शेक। तो गाइस रात के 11 बज गए हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। माँ के लिए कुछ भी। कौन से गोलगप्पे खा के आया है? Before you make up your mind that